हर रोज बस 20-30 मिनट भी निकाल लें और ऐसा कर सकें और बस इसमें सही तरह का ईंधन डालिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खाइए और वो खाइए, बस प्रयोग करके देखिए, ठीक है? बस एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को काफी हद तक पलट सकती है। ये बिल्कुल हर एक इंसान के लिए संभव है। ओजस यानी ऊर्जा का एक गैर भौतिक या नॉन फिजिकल आयाम। अगर आपके आसपास जरूरी ओजस हो तो आप में बढ़िया लुब्रिकेशन होगा, आप आसानी से दुनिया से गुजरेंगे। आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए इस दुनिया से गुजरना बेहद मुश्किल होता है, वहीं कुछ लोग चाहे वो जहां जाएं वो आसानी से होकर गुजर जाते हैं। आपने देखा है, आपको खुद को भी किसी दिन ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपकी मदद कर रही है, और किसी और दिन ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। आपने ध्यान दिया है, अगर आप पर्याप्त ओजस बना लें तो आप आसानी से दुनिया से गुजरेंगे। अभी आप शंभवी कर रहे हैं, अगर आप इसे रोज करें तो आप ओजस डेवलप कर लेंगे, थोड़ा सा ओजस, और आप देखेंगे कि अचानक लगता है जैसे सब कुछ आपके लिए आसान हो गया है, सब यूं ही हो जाता है। तो आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का बनना बहुत जरूरी चीजों में से एक है, क्योंकि शरीर कितना स्वस्थ है ये खुद को कितनी आसानी से ठीक करता है ये खून में कितना ज्यादा ऑक्सीजन है उससे तय होता है। और ये क्षमता कम हो सकती है, खासकर महिलाओं को इस बारे में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है, जिससे उनकी ऑक्सीजन को खून में ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी और इससे वो बेवजह कमजोर हो जाएंगी, जिससे वो कम बुद्धिमान मालूम पड़ेंगी। और हाँ, अगर RBC कम हुआ तो आप थोड़ा डम फील करेंगी, क्योंकि दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है और शरीर और दिमाग दोनों वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। तो इससे बचने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीजिए, और ऐसा रोज कीजिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे RBC काउंट बढ़ जाएगा। जब खून में ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो आप जबरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगी, अचानक सब कुछ एक्टिव होगा, शरीर का अपनी मरम्मत करने का सिस्टम सुधरेगा, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदलेंगी, आप शरीर में जो इनर्शिया या जकड़न महसूस करती हैं वो कम हो जाएगी, मन में जो जकड़न महसूस करती हैं वो पहले से कम हो जाएगी। नीम आपके सिस्टम में करती ये है, वेल अगर आसान शब्दों में कहें तो एक चीज जो तुरंत होगी वो ये कि आपकी पाचन नली को नीम साफ रखेगी। तो इस पाचन नली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में माइक्रोब्स होते हैं, इनमें से बहुत सारे अब हमारे दोस्त बन चुके हैं, हम इनकी वजह से जिंदा हैं, हम इनकी वजह से खाना पचा पाते हैं, इनके कारण शरीर में कई सारे काम होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। नीम की एक खास बात यह है कि खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाता है, अगर ये दोनों चीजें एक साथ ली जाएं, तो वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के पैरासाइट जो शरीर में हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आप इस शरीर को हवा जैसा रख सकते हैं कि ये हमेशा आपसे आगे चले, आपको इसे अपने साथ घसीटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको आपसे आगे बढ़ के जाना चाहिए। आप इसे ऐसा बस थोड़े से योग की प्रैक्टिस से रख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ अगर आप अपनी खुशहाली के लिए हर रोज बस 20-30 मिनट भी निकाल लें और ऐसा कर सकें और बस इसमें सही तरह का ईंधन डालिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खाइए और वो खाइए, बस प्रयोग करके देखिए, ठीक है? बस एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज जब आप जाएं, आप पका हुआ खाना खाने के बजाय बस फल खाकर देखिए, कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म की घंटी से पहले उठ जाएंगे। आप ऐसा कीजिएगा, आज आप खाने में 10% कच्चे भोजन से शुरू कीजिएगा, फल सब्जियां जो भी हों, कल इसे 20% तक बढ़ाइए, परसों 30%, ऐसा करते करते 9 दिन में आप 100% पर होंगे, फिर इसे कम कर दीजिए। 100% पर रुकिए, अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी हो तो 5 से 7 दिन वहीं रुकिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो 1 या 2 दिन रुकिए और फिर इसे रोजाना 10% कम करना शुरू कर दीजिए। इसे 50% पर ले आइए और फिर वहां रुक कर देखिए, अधिकतर लोगों के लिए 50% सबसे बढ़िया रहता है, अगर आप थोड़ा ज्यादा या कम करना चाहें तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसकी रिदम आपको खुद अपने अंदर ढूंढनी होगी।